हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल का। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा अल्फा लोन ऐप। अल्फा लोन ऐप किस तरीका का ऐप है, यहाँ पर हमें लोन मिल जाएगा कि नहीं। अल्फा लोन ऐप एक इंस्टेंट लोन ऐप है जिसका कहना है कि वो आपको 1,000 से लेकर 5,00,000 तक का लोन दे देगा। टाइम के बारे में बताता है और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताता है। लोन लेने का वही सिंपल प्रोसेस है जो सारे लोन ऐप्स का होता है। एक आईडी दे रखी कॉन्टैक्ट करने के लिए। अगर आप रिव्यू देखेंगे तो रिव्यू में भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको पॉजिटिव रिव्यूज दिखेंगे। जो नेगेटिव रिव्यू दिखेंगे आपको 3-4 दिख सकते हैं। और अभी क्योंकि डाउनलोड बढ़ रहा है तो हो सकता है आगे रिव्यूज और बढ़ जाएँ और रेटिंग में भी कुछ फर्क हो जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं जिन लोगों ने यहाँ से लोन लिया तो उनके साथ क्या हुआ और जो लोग लोन ले सकते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अल्फा लोन जो ये देख रहे हैं आप, इसी तरीके का एक और लोन ऐप था अल्फा लोन। बस डिफरेंस ये है कि इसमें ALFA है और उसमें ALPHA था। तो ये डिफरेंस था अल्फा लोन और अल्फा लोन में। साउंड एक तरीके से करता है, लोगो वही है, तो काम भी वही करेगा। ये वही तरीके का ऐप है कि आपको लोन नहीं देगा। आप जब भी एप्लीकेशन में अपना डिटेल्स फिलअप करके और इसको सबमिट करेंगे तो वही काम करेगा कि रिजेक्ट कर देगा और फिर पेंडिंग में वेटिंग में रिव्यू डाल सकता है, अप्रूव कर देगा लेकिन लोन अकाउंट में नहीं आएगा। या फिर आपने नहीं अप्लाई किया तो तब भी आपके पास कहेगा कि लोन अप्रूव हो गया, रिपे कर दो। और बहुत गिरी हालत में अगर इनको परेशान करना होगा, वैसे तो करेंगे नहीं इस तरह का काम, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी अगर देखी जाए तो ये भी हो सकता है कि ये अगर लोन डालना शुरू करेंगे तो 7 दिन वाला 4 दिन वाला 5 दिन वाला 6 दिन वाला लोन डालेंगे और फिर आपको परेशान करेंगे। छोटा सा अमाउंट डालकर हाई इंटरेस्ट लगाकर डबल अमाउंट मांगेंगे और लोन डालते वक्त कुछ नहीं बताएंगे कि क्या प्रोसेसिंग फीस है, क्या अमाउंट है, क्या टाइम है। बस लोन डाला और आप पे दबाव बनाना शुरू कि भैया पैसा अब वापस करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपसे वसूलने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करनी है, कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर कंप्लेंट करनी है। अगर आपने पैसा दिया तो फिर आप जिम्मेदार होंगे क्योंकि आपके साथ सारा चीज़ ये सब चीज़ करेंगे, गलत सलत आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स में भी गलत सलत लिख के भेजेंगे। क्योंकि जब आप साइप को डाउनलोड करेंगे डेटा कॉन्टैक्ट लिस्ट इन लोगों के पास पहुंच जाएगी और उसी की मदद से ही आप पर दबाव बनाएंगे, आपको बदनाम करेंगे ताकि आप डर के मारे आप अपनी इज्जत ना खराब हो उसके डर के मारे आप किसी तरीके से रिपे करते हैं। और वही आपको नहीं करना है, बस आपको वो रिपे नहीं करना है। आपको अपने कॉन्टैक्ट में वार्निंग मैसेज भेजना है, उनको समझाना है कि आपका डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो गई है और आपके साथ गलत काम किया जा रहा है, लोन मैसेज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और ताकि पैसा रिपेमेंट कर सके तो आपको सपोर्ट किया जाए। और जब आप अपने कॉन्टैक्ट को कन्विंस कर लें तो उसके बाद ही आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको जिस भाषा में जवाब देना है आप इनको जवाब दे सकते हैं और कंप्लेन तो कर ही दें ताकि और लोगों को पता चल सके और एक्शन लिया जा सके। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।